ध्यान दीजिए, आज हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे, मेंडेलियन कैरेक्टर पे, और आपको पता होगा कि जेनेटिक्स में मेंडेलियन कैरेक्टर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि पूरी की पूरी जेनेटिक्स जो है मेंडल के इस कैरेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस, कुछ जो है डेफिनेशंस पे हम लोगों ने चर्चा की है। आज हम आप लोगों को मेंडेलियन जेनेटिक्स के बेसिक्स की बात करेंगे और इनके सफलता के पीछे की कहानी को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक सूचना आपके लिए थी, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है, तो अब से आपको जो है वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि प्रत्येक वीडियो पे जो है आपके ग्रुप पे जो है एक डिस्कशन, 5 से 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है प्रतिदिन आपको प्राप्त होगा, प्रतिदिन शाम को। वीडियो जो है सुबह 10 बजे तक आपको उपलब्ध हो जाएगी और शाम को जो है डिस्कशन आपको प्राप्त होगा। तो आप लोग जो है डिस्कशन में भी, यानी कि क्वेश्चन के पोल पे आप आइए, निश्चित तौर पे आप सभी लोग क्वेश्चन पे प्रतिभाग करें। और वीडियो जो है छोटे छोटे होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको भी उतना ही स्नेह दीजिएगा जितना आप इसके पहले की वीडियो को देखते आए हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या है जेनेटिक्स की बात हम लोगों ने की थी, ठीक है। अब हम बात करें कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है या मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है। तो इनकी जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, दिस शुड बी डिपेंड्स ऑन जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। जो आज की जेनेटिक्स है वो जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पे डिपेंड है, और इस आधार पे जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हम ग्रेगर जार मेंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जार मेंडल इज सजेस्टेड एट फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ध्यान रखेंगे आप ग्रेगर जार मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्लियर। आगे चलें तो मेंडल क्या थे, अगर इनकी हिस्ट्री जाने या बैकग्राउंड जानना चाहें तो यह एक पादरी थे, किसमें, एक मॉन्टेसरी में, ठीक है ना। टीचर थे, पादरी थे, मॉन्टेसरी में थे, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और इस समय अगर ऑस्ट्रिया आपसे पूछा जाए कि इस समय ऑस्ट्रिया कहाँ है, तो चेकोस्लाविया में ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे ऑस्ट्रिया है? चेकोस्लाविया में ऑस्ट्रिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट अगर आपसे पूछा जाए, या आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट किसने किस पे किया था, तो इन्होंने गार्डन पी पे, पाइसम सेटाइबम पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है, मैंने ये आपको बता रखा है, पहले ही मैंने वीडियो में जिक्र किया है कि इनका जो काम था, इन्होंने कहाँ पे पब्लिश किया था, तो ब्रूनेई सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इनका काम जो है पब्लिश हुआ था, और यहाँ पे इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था, ठीक है ना। और इसी सोसाइटी के प्रोसीडिंग में जो इसकी पत्रिका समझती है, पत्रिका मतलब प्रोसीडिंग हो गई, पत्रिका में जो है इनके काम को जो है क्या हुआ था, पब्लिशिंग मिली थी, या यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया था। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए क्या होता है कि उस समय की जो साइंटिफिक ओपिनियन थी वह मेंडल के पक्ष में नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। उस समय की साइंटिफिक ओपिनियन जो थी वह मेंडल के पक्ष में नहीं थी, और 1865 का काम, 1865 में जो इन्होंने काम किया था उसको उपलब्धि जो है 1900 तक नहीं मिली, ठीक है ना। 1865 में जो यह काम मेंडल करके चले गए, उसको लोग 1900 तक लोग नहीं जान पाए। 1900 में जो है, जब 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्राइस, कार्ल कोरिंस और ई ट्रिस्मार्क ने जो है जो अलग अलग काम किया, ये तीनों जो थे पेशे से प्लांट ब्रीडर थे, क्या थे, पेशे से प्लांट ब्रीडर थे, और इन्होंने जो है तीनों लोगों ने जो है अपना अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट जो था वही मेंडल वाला था जो 1865 में मेंडल करके गए थे, ठीक है ना। तब जो है 1900 में जा करके साइंटिस्ट का जो है क्या होता है, ध्यान आकर्षित होता है मेंडल के काम के प्रति, और तब 1900 में जो है मेंडल के काम को जो है ख्याति प्राप्त होती है, ठीक है ना। 1900 में जाकर के मेंडल के काम को ख्याति प्राप्त होती है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि मेंडल के 3 नियम हैं, आपको पता ही है कि पहला जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और तीसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक। लेकिन मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो मेंडल ने सिर्फ 2 नियम दिए थे, आप ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 नियम मेंडल दिए थे। बाद में जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है यह जोड़ा गया इनके काम को देखते हुए, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इनके काम को देखते हुए जोड़ा गया था, सिर्फ 2 नियम ही मेंडल ने दिया था, कौन कौन सा,
तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का और लाभ सेग्रीगेशन का यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बात आती है, ये तो था मेंडल के हिस्ट्री, मेंडल क्या थे, ठीक है ना, इन्होंने किस पे काम किया, ठीक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है, आज की जेनेटिक्स किस पे बेस्ड है, तो आज की जेनेटिक्स यह ध्यान रखिएगा कि जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पे बेस्ड है, क्योंकि आपको पता ही है कि जीन जो है वह एक ट्रेट है, वह एक इंफॉर्मेशन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है, ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम जो है जीन करता है। और जीन जो है, जीन शब्द किसने दिया था, तो जोहेंसन ने जीन दिया था, ध्यान रखिएगा, जोहेंसन ने जो है जीन शब्द की उत्पत्ति की थी, या जीन शब्द को सबसे पहले यूज़ किसने किया था, जोहेंसन ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि ग्रेगर जार मेंडल इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब आगे चलिए कि अब अगला एक बिंदु ये बनता है, या आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेंडल जो है अपने काम में कैसे सफल हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वाई मेंडल वाज सक्सेसफुल इन डिस्कवरिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना, कैसे जो है मेंडल जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को खोजने में जो है सफलता उनको प्राप्त हुई, या किस तरह से, किस आधार पर वो सफल हुए, क्या क्या बेस रहा होगा, किस तरह से इनको सफलता प्राप्त हुई। तो उसमें कुछ चार बिंदु हैं जिनके आधार पर हम सफलता की बात करते हैं। कि पहला बिंदु ये है इसमें कि ही चूजन गार्डन पी, ठीक है ना, इन्होंने किस पौधे का चयन किया, तो ये पूछा जाता है किस पौधे का चयन किया भैया, तो गार्डन पी, जिसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, ठीक है ना। अब गार्डन पी का सिलेक्शन करने के पीछे इनके मन में क्या रहा होगा, ये आप जानना चाहेंगे कि क्यों गार्डन पी का ही सिलेक्शन किया, क्यों दूसरे प्लांट का इन्होंने सिलेक्शन नहीं किया। तो आप ध्यान रखिएगा कि उस समय की सिचुएशन में ये जहाँ पर रहते थे उसके आसपास जो है मटर का ही पौधा था, ठीक है ना, और फॉर्चुनेटली संयोग से इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। अब मटर के पौधे के चयन के पीछे कुछ इनका अपना थिंकिंग भी रहा होगा, और वो थिंकिंग ये होगा कि यह प्लांट पहली चीज तो है कि एनुअल प्लांट है, एक वर्ष में तैयार हो जाने वाला है, इसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो सकता है, परफेक्ट फ्लावरिंग इसके अंदर होती है, ठीक है ना, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो हैं वो भी परफेक्ट होते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ है कि यह सेल्फ फर्टिलाइज्ड होता है, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण जो है हम इसको प्योर लाइन के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बिंदु उनके दिमाग में रहे होंगे कि पहला तो यह प्लांट जो है किस तरह का एनुअल है, इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, परफेक्टली मेल और फीमेल फ्लावर ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज होता है, और सेल्फ फर्टिलाइज होने के कारण जो है हम इसका प्योर लाइन सेलेक्शन यानी कि प्योर सीड का जो है फार्मेशन कर सकते हैं, फाउंडेशन सीड का फार्मेशन कर सकते हैं, किसके कारण, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो दूसरी चीज़ ये है कि ही चूज फॉर्चुनेटली सच ए प्लांट दैट इज डिप्लांट, परिस्थिति कि ये जो है सौभाग्य से कहिए या सौभाग्य बस कहिए, फॉर्चुनेटली जो है इन्होंने डिप्लांट प्लांट का सिलेक्शन किया, और डिप्लांट प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर कहा जाता है, आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर कितने हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना, 23 पेयर हैं, तो 23 पेयर का मतलब ये हो गया कि कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम है, और इस 46 में आपको पता है कि 44 जो है ऑटोसोम है, और 2 पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो इन्होंने किसका चयन किया, डिप्लॉयड प्लांट का चयन किया, और डिप्लॉयड प्लांट के चयन के कारण जो है क्या होगा कि यह जो है अपने नियम को दे पाने में, या जिस कंक्लूजन तक पहुंचे उसमें इनको सफलता मिली। अगर इन्होंने पॉलीपोलाइड प्लांट का सिलेक्शन किया होता, ठीक है ना, जिसके पास दो सेट्स से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते, तो जिस रिजल्ट को ये प्राप्त कर सके वह रिजल्ट इनको प्राप्त कभी ना होता, ठीक है ना। तो सौभाग्य था कि इन्होंने किसका सिलेक्शन किया, डिप्लॉयड प्लांट का सिलेक्शन किया। उम्मीद है बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तीसरे बिंदु पर अगर हम बात करें तो ही कंसीडर्ड हिज रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेट्स, ठीक है ना। एक बात ये भी आती है कि यह अपने रिजल्ट्स को जो है सिंगल ट्रेट्स में एक लक्षण के आधार पर इन्होंने सारे रिजल्ट्स की व्याख्या की है, ठीक है ना, सिंगल ट्रेट्स के आधार पर व्याख्या की है। ए सिंगल अल्टरेशन इन ट्रेट्स वाज इन देयर फॉर डेमोंस्ट्रेटेड बाय विजिबल डिफरेंस बिटवीन वेराइटीज, ठीक है ना। अब जब सिंगल ट्रेट होगा, तो जब ये जेनेटिक्स का काम जब ये कर रहे थे, जब मेंडल उस समय काम कर रहे थे, तो जब जीन और जीनी कॉन्सेप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, 1865-66 के बाद ही जीन और जीन का ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि 1865 के पहले ही इनका अपना काम होगा, और 1865 के बाद जीन और जीन का इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है ना।
तो उसके पहले जब मेंडल ये काम कर रहे थे तब उनको जीन या ऐसा कोई इनको ये पता नहीं था, इसलिए इन्होंने सिंगल ट्रेट्स या लक्षण की बात की है, जीन की बात नहीं की है, लक्षण की बात की है, ठीक है ना। तो पहली चीज के सिंगल ट्रेट्स के आधार पर इन्होंने बात किया था, जिसके कारण जो है होता क्या है कि यह वेराइटीज़ के अंदर जो है विजिबली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्लांट की हाइट हो गई या ऐसे जो है आप फिनोटिपिकली उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिनोटिपिकली जो है फिनोटिपिकली ही इन्होंने देखा था और अपने रिजल्ट्स की क्या की थी व्याख्या की थी, किसके आधार पे, सिंगल ट्रेड्स के आधार। तो ये पूछा जाता है अगर आपसे कि कितने ट्रेड्स के आधार पे इन्होंने अपने रिजल्ट्स की व्याख्या की थी, तो ध्यान रखिएगा सिंगल ट्रेड्स के आधार पे इन्होंने रिजल्ट्स की व्याख्या की थी। और ये पूछा जाए कि कितने ट्रेड्स का इन्होंने सिलेक्शन किया था, तो कुल 7 ट्रेड्स का इन्होंने सिलेक्शन किया था भैया, 7 ट्रेड्स के आधार पर जो है इन्होंने अपने तीनों नियमों की व्याख्या की, ठीक है ना। अब उन ट्रेड्स कौन कौन से हैं, 7 ट्रेड्स, अगर नियम की व्याख्या की बात की जाए तो सिंगल ट्रेड, ठीक है ना। कुल कितने ट्रेड थे इनके इसमें, तो 7 ट्रेड थे। कुल कितने ट्रेड थे, 7 ट्रेड थे। कौन कौन थे, तो ये देखिए कि ही चूजन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, कितने पेयर, 7 पेयर, ठीक है ना, विच कन्फर्म विजुअल इफेक्ट ऑन पेरेंटल प्लांट्स, ठीक है ना। वह क्या करता था, पेरेंटल प्लांट्स का विजुअल इफेक्ट जो है शो करता था। द प्लांट्स, अब कौन कौन से थे, आइदर टार आर ड्वार्फ, प्लांट कैसे हैं, छोटे हैं, बौने हैं या लंबे हैं, ठीक है ना। पॉट्स, उसकी फली कैसी है, ग्रीन है या येलो है, ठीक है ना। इनफ्लटेंट आर कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्टेड, फली कैसी है, इनफ्लटेंट है, चपटी है या गोल है, ठीक है ना। बिटवीन द सीड्स, फ्लावर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द स्टेम, फ्लावर कहाँ पे है, स्टेम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या ब्रांच में है, कहाँ पे, टॉप पे, ठीक है ना। न्यूट्रिटिव पार्ट्स कितना है, न्यूट्रिटिव पार्ट्स जो फली की है वो किसी ग्रीन है या येलो है, ठीक है ना। द आउटर सरफेस ऑफ सीड्स वेयर स्मूथ आर डीपली रिंकल्ड, मतलब स्मूथ मतलब क्या हो गया कि स्वच्छ हैं और डीपली रिंकल्ड मतलब खुरदरे, ठीक है ना, क्लियर और खुरदरे की बात हो गई, स्मूथ और रिंकल्ड हो गई। और अगली ट्रेड क्या है कि सीड कोट कैसा है, वाइट है या ग्रे है। तो देखिए आइदर टाल आर ड्वार्फ, ये पहला ट्रेड हो गया, ग्रीन आर येलो, पॉट ग्रीन होगी येलो होगी दूसरा ट्रेट हो गया, फ्लावर कहाँ पे है, सॉरी फली है कैसी, इन्फ्लेटेंट है या कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये तीसरा हो गया, फ्लावर कहाँ पे है तो ये चौथा ट्रेट हो गया, ठीक है ना। सीड्स का कलर कैसा है तो ये पांचवा ट्रेट हो गया, ठीक, सीड्स कैसा है, स्मूथ है या व्रिंकल्ड है, ये छठा ट्रेट हो गया, और सातवां ट्रेट जो सीड कोट कैसा है, वाइट है या ग्रे है, यह सातवां ट्रेट हो गया। तो इस आधार पे जो है, इन 7 ट्रेड्स के आधार पे जो है इन्होंने अपने लक्षण की व्याख्या की थी। कुल कितने ट्रेड्स, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को चूज किया था, 7 ट्रेड, लक्षण की नियमों की व्याख्या कितने ट्रेड पे की थी, तो एक ट्रेड को ध्यान में रखते हुए की थी, ठीक है ना। फ्लावर कितने तरह के होते हैं, तो वाइट फ्लावर होते हैं और वायलेट कलर के फ्लावर होते हैं, यह ध्यान आप रखेंगे, फ्लावर वाइट और वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम यह स्पष्टतया कह सकते हैं कि मेंडल जो है इन 4 के कारण ही जो है अपने नियमों की व्याख्या कर पाने में सफल हुए, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियरली जो 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने इसमें पॉइंट आउट किया है। उन 5.5 बिंदुओं को आप जो है दिमाग अपने ध्यान में रखिएगा, फिर नेक्स्ट टर्न पर जो है नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड होगा वो मेंडल्स के तीनों नियमों के साथ होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि लंबा वीडियो इसमें मैं नहीं बना सकता, लंबा वीडियो मैं बनाऊँगा तो इसको जो है अपलोड करने में और इसको छोटा करने में दिक्कत होगी, ठीक है। फर्दर जैसे ही मेरे पास नेटवर्क अवेलेबिलिटी होगी तो आपको लाइव क्लासेस फिर से पहले जैसे उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूँ कि एक बार में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, फिर से मेरी बात सुनिएगा, एक बार में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है, प्रतिदिन अगर हम एक एक कदम चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक निश्चित पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को भी जो है आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो के बाद जो है प्रत्येक दिन शाम को आपके ग्रुप पे 4-5 क्वेश्चंस का जो है एक क्वेश्चन एयर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन के सेट मिलेगी जिसको आपको साल्व निश्चित तौर पे करना है, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी जो है परफेक्ट हो और 6-7 महीनों के अंदर जो है पूरा का पूरा बॉटनी जो है आपको इस वीडियो पर जो है इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।